तो ये है मेरे पास टेना का लिक्विड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं विंस्टॉल। ये टाइगर फार्मा का है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। और ये क्लेन का दो टैबलेट्स बची हैं मेरे पास। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। और गाइस, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एक बेस्ट कटिंग स्टैक के ऊपर, जो कि आप यूज़ करके अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। बट उससे पहले शर्त ये है कि वीडियो को पूरा जोर देखना, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे आप इस कटिंग स्टैक से अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हो। वैसे मेरी रिकमेंडेशन नहीं होती इन सब चीज़ों की, बट फिर भी बहुत सारी क्वेरीज मेरे को आ रही थी कि अनावर हम लेना चाहते हैं, स्टेना के साथ लें या क्लेन के साथ लें, या क्लेन और स्टेना लें, या स्टेना और अनावर लें। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको मैं आज स्टैक बताऊं, जिससे कि आपको हेल्प भी मिल जाए और आप इजीली, सेफली और प्राइसिंग डोजेस सब कुछ देखते हुए आप इस चीज़ों को ले पाएं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना जरूर चाहूँगा कि आप कोई भी कटिंग स्टैक यूज़ करते हो, आपको सेफली चलना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेशेंस का गेम है। और पेशेंस रख के आपको चलना पड़ेगा, अपनी कंसिस्टेंसी रेगुलर वर्कआउट में रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ डाइट आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप डाइट में कंट्रोल नहीं करोगे, तो वर्कआउट करने के बाद आप कुछ भी अगर उल्टा सीधा खाओगे, तो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, आप वेट लॉस की तरफ नहीं जा पाओगे, या आप अगर आप मसल्स में कटिंग चाहते हो तो उस पर नहीं आ पाओगे। तो आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपको ये मेडिसिंस पे जो आप खर्चा कर रहे हो, इनका खर्चा आप वर्थ कर पाओगे इनका अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करके। बट अगर आप कुछ भी लापरवाही करोगे, जो बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट है, जिसमें आपकी डाइट है या डेडिकेशन नहीं है वर्कआउट के लिए, कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो आप पैसे वेस्ट मत करना। आप एक नॉर्मल वर्कआउट करो और अपने आप को हेल्दी रखो, फिट रखो। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है, अपनी बॉडी में कुछ चेंज लाना है, अगर आप अपनी बॉडी में अभी सेटिस्फाई नहीं हो अपनी बॉडी को देख के, चाहते हो कि एक अच्छी बॉडी कंडीशन हो, अच्छा आप लीन मसल गेन कर लो या मसल्स अच्छे कट कर लो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा डिसिप्लिन में चलें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अनावर की। अनावर के ऊपर एक वीडियो यहाँ शो हो रही है, उसको भी आप देख के डिटेल में जान सकते हो कि अनावर क्या है, क्या उसके प्राइजेस होते हैं। बट आज की वीडियो में मैं जरूर बताऊँगा आपको कि अनावर के प्राइजेस क्या होते हैं, डोजेस क्या होती है, और कैसे आपको लेना चाहिए। और क्लेन की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जिन लोगों का गोल सिर्फ वेट लॉस का है, उनका फ़ैट स्टक हो गया है, स्टबन फैट है, और वो हर तरह से अपने कोशिशें कर चुके हैं, सब कुछ ले चुके हैं, डाइट से भी कर चुके हैं, वर्कआउट से भी कर चुके हैं, और फैट बर्नर्स तक ले चुके हैं, तो मैं उनको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अगर क्लेन लेते हो, तो आप एक लेवल नीचे और जा पाओगे वेट लॉस की जर्नी में, और जो आपका गोल है, डिज़ायर्ड गोल है, उस तक आप पहुँच पाओगे। और अगर मैं बात करूँ स्टेनाजोल की, तो स्टेनाजोल में आपको एक तरह का ड्रग है ये, जो मेडिकल लाइन में यूज़ होता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। और स्टेनाजोल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके मसल्स में अच्छी कटिंग ले आता है, और अगर आपका पैटर्न अच्छा होगा वर्कआउट करने का, अगर आप वेट वॉल्यूम पे ज़्यादा ध्यान ना दे के रेपिटेशंस पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो स्टेनाजोल आपके लिए ही बनी है। और आप स्टेनाजोल से अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ भी गेन कर सकते हो, साथ ही साथ उसमें कुछ आपको फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपके मसल्स में से फैट को काटने में हेल्प करती हैं। मैं आज दो स्टैक की बात करूँगा, वेट लॉस और कटिंग। इसमें डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप अच्छा बल्क कर चुके हो, आप मसल गेन अच्छा कर चुके हो, बल्क में आ चुके हो, तो आपको कटिंग के प्रोसेस में यूज़ करना है अनावर को और साथ में क्लेन को। ये आप स्टैक लेके चलोगे, जिससे कि आपका जो अनावर है वो आपके मसल्स को प्रिजर्व करेगी, मसल लॉस होने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपका मसल लॉस नहीं होगा। वैसे तो अगर आप अपनी डाइट मेंटेन रखोगे, तो आपका मसल लॉस वैसे भी नहीं होगा, बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, फाइन मसल्स चाहिए, अच्छा दिखने वाले मसल्स चाहिए, तो आप अनावर का यूज़ करके भी अच्छा कार्डियो या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी करोगे, तो आपका मसल लॉस नहीं होगा। बट एक बात ध्यान रहे, आपको अपनी डाइट भी मेंटेन रखनी है। अगर आप अपनी डाइट मेंटेन नहीं रखोगे, तो अनावर भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प नहीं करेगी। तो आपको प्रोटीन रिच डाइट का अपना ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स को आपने कम रखना है। बिफोर वर्कआउट आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो, और हेल्दी फैट्स आपको ज़रूर लेने हैं, जो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखेंगे, साथ ही साथ आपके जॉइंट्स को भी अच्छा रखेंगे, और ओवरऑल बॉडी में वेलनेस का काम भी करते हैं, और आपको आपके मसल्स को बिफोर वर्कआउट रेडी करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आप अपने मसल्स को अच्छा फ्यूल करके कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। बस ध्यान ये रहे कि जो वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, उसमें वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए, लाइक बनाना या फिर ओट्स, ब्राउन राइस, जो आप वर्कआउट से एक दो घंटे पहले खा सकते हो, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करा के आपको वर्कआउट में अच्छा एक इंटेंसिटी दे देंगे, और आप अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर पाओगे।
और अनावर और क्लैन के साथ अगर मैं स्टैक की बात कर रहा हूँ तो क्लैन आपको एक थर्मोजेनिक इफेक्ट देती है। इससे क्या होता है कि आप क्लैन के थ्रू अपनी बॉडी में जितना भी एक्सेस फैट है उसको कम कर पाते हो। बट मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप जब भी क्लैन लो ज़्यादा ध्यान अपनी वेट ट्रेनिंग पर रखना, ना कि कार्डियो पर। आप कार्डियो कर सकते हो बट कार्डियो आपको हमेशा वर्कआउट के बाद करनी है। बट अगर आप पहले चाहते हो कार्डियो करना, आपको ऐसे लगता है कि आपको एक वार्म अप के लिए पहले कार्डियो करने की आदत है या आपको करना चाहिए, तो सिर्फ 5 या 10 मिनट का नॉर्मल एक वॉक कर सकते हो ट्रेडमिल पे, जिसके बाद आप अपना वार्म अप करने के बाद वर्कआउट करके बाद में आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो या कार्डियो में कोई और ऐसा सेशन करो जो आपको 10-15 मिनट में अच्छा एक आपको हेल्प करे आपके ओवरऑल बॉडी से फैट को कम करने में। तो अनावर और क्लैन का एक अच्छा स्टैक है जो आपको मसल्स में से फैट कम करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको एक अच्छी शेप में बॉडी प्रोवाइड कराएगा अगर आप पूरे डिसिप्लिन में रहोगे। अब मैं बात करूँ वेट लॉस की, तो वेट लॉस में आप स्टेना का यूज़ कर सकते हो और साथ में क्लैन का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने में। क्योंकि आप जब वेट लॉस करने पे आते हो तो आप जब वेट लॉस करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ भी जाती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जब आप क्लैन के साथ स्टेना यूज़ करोगे तो दोनों में ही आपको एक फैट बर्निंग प्रॉपर्टी मिलती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है अपने मसल्स में से और साथ ही साथ बेली फैट और अलग अलग तरह के स्टबन फैट्स जो हमारे फैट डिपॉजिट हो जाते हैं हिप्स में, थाइस में, बेली फैट पे, टमी पे और हमारे लव हैंडल्स पे, तो इन सब को काटने में हेल्प करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरी अलग अलग तरह की वीडियोस देख सकते हो फैट लॉस के ऊपर कैसा वर्कआउट होता है, वो भी मैंने डाल रखी हैं, वो भी आप देख के अपने इन सब क्वेरीज से हेल्प आउट हो सकते हो। तो वेट लॉस में भी आपको अपनी डाइट का, डेडिकेशन का और डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आ पाते हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्टैक में कुछ और भी स्टैक करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फैट बर्नर को ऐड कर सकते हो, जो आपको एक एक्स्ट्रा थर्मोजेनिक इफेक्ट देगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी फैट बर्न करने में। बट उसके पीछे की कंडीशन ये है, या मेरी रिकमेंडेशन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हो, आपका वेट 100 या 110 केजी से अबव है, तो ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इतनी सारी चीज़ों को स्टैक करो। नहीं तो अगर आप एक नॉर्मल 90 केजी या 85 केजी से नीचे आप 10 केजी या 15 केजी लेके आना चाहते हो, तो मैं आपको यही कहूँगा कि क्लैन या स्टैना लेके भी इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। प्राइसिंग में अगर मैं एक आपको रफ आइडिया दूँ उसमें, तो उसमें ऊपर नीचे भी कुछ हो सकता है प्राइसिंग का, बट अगर मैं अनावर की बात करूं तो वो 2500 से 2600 के बीच में आपको मिल जाती है, जो कि 50 टैबलेट्स आती हैं, कुछ ब्रांड्स की 100 टैबलेट्स भी आती हैं। और अगर क्लैन की बात करूं तो वो 1800 से 1900 के बीच में 100 टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं स्टेना की, तो स्टेना भी आपको 1800 के आसपास 100 टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके जो टैबलेट्स होती हैं, जिनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो थोड़े से उनकी जो एफिकेसी होती है, जो उनका असर होता है, वो थोड़ा लाइट होता है, जिस वजह से उनके जो प्राइसेस होते हैं थोड़े से चीपर होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि क्या इनके प्राइसेस होते हैं, तो आप इजीली अपने बजट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये सब चीज़ें लेनी है या नहीं। बाकी मैं अगर डोजेस की बात करूँ तो डोजेस का डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, आप कितना वेट है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कैसे आपको इसकी डोजेस लेनी है, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या डोजेस बनती है। फिर भी मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ आपको। क्लैन आप 40 mcg से स्टार्ट कर सकते हो पहले वीक में, और उसके बाद सेकेंड वीक से आप थोड़ी सी डोजेज इंक्रीज़ कर सकते हो, और फिर आप 2 वीक का ऑफ लेके फिर दोबारा से उसको ऑन कर सकते हो, जिससे कि आपको ये भी पता चल पाएगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे हैं। क्योंकि क्लैन जो होती है, जब आप ऑफ़ करते हो तब उसका रिज़ल्ट आना शुरू होता है। ये एक बहुत अंदर की बात है जो कि आपको हर कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अनावर की मैं बात करूँ तो अनावर आप 20 mg से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि 2 टैबलेट होंगी, क्योंकि ये 10 mg में अवेलेबल होती है। और 20 mg से स्टार्ट करके आप 40 से 60 mg तक जा सकते हो एज़ पर योर बॉडी कंडीशन, या फिर आपको का जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग। वो सब मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जाते जाते स्टेना के बारे में भी बता देता हूँ कि स्टेना जो होती है वो आप 20 mg से स्टार्ट कर सकते हो, और वो रेगुलर चला सकते हो आप 4 या 5 हफ्ते तक। और इसी तरह आप अनावर भी रेगुलर चला सकते हो 4-5 हफ्ते तक, बट क्लैन में थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रग है और कई सारी चीज़ें उसको लेने के बाद होती हैं, जिससे ये भी पता चल जाता है कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और ये भी पता चल जाता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं।
कुछ आपको थोड़ा क्लैन जो होता है वो जिटरिंग करता है, आपके हाथ कांपते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी सी घबराहट भी हो, बट अगर आपका गोल सीरियस है तो एक दो दिन अगर आपको अनकंफर्ट फील हो तो ये मत सोचना कि मैंने उसको नहीं लेना, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट हो रहा है, हार्ट बीट हो रही है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो रही है या हार्ट बर्न हो रहा है, जलन सा हो रहा है आपको, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको मत लेना, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये तब लेनी चाहिए जब आपकी बॉडी अलाउ करे और साथ ही में आपका गोल बहुत सीरियस हो या उसके पीछे कोई एक ऐसा गोल हो जो आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर आपको कुछ कहीं जॉब में वो चीज़ आपको ज़रूरत हो, आपको वेट लॉस करना हो, जैसे कि आपकी कोई जॉब है वो उस वेट के अंडर आने के बाद ही आपको मिल पाए। बट अगर आप नॉर्मल एक जिम गोअर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक आपका कोई सीरियस गोल ना हो। तो मेरे पास टाइगर फार्मा का एक विंस्ट्रॉल था जो कि स्टेना का लिक्विड फॉर्म है, मैंने सोचा कि उसकी पैकिंग आपको दिखा दूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि देखने में कैसा होता है। ऐसी इसकी पैकिंग आती है कुछ, और मेरे पास एक और मेरे पास क्लेन की भी टैबलेट्स थी तो मैंने सोचा वो भी आपको दिखाऊं। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मुझे कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको कुछ और पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और चाहूँगा कि अगर आप फॉलो करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे तो गाइडेंस भी प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप लोग हेल्दी रहें, फिट रहें और सेफ़ रहें। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देता हूँ यहीं पे एंड, और जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।